हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टुपा। जैसा कि हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए 39 डेज का चैलेंज सीरीज ऑनगोइंग प्रोसेस में चलाया हुआ है, जिसका आज होगा डे 27, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, मैं आप सभी से बोलूंगा कि मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके करने का मजा कुछ और ही है। एंड लाइक जरूर कीजिएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आज के सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एट एन इंस्टेंट द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। एक पोल है, आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फिगर को बना लेंगे। फिगर बन जाएगा तो उसके बाद आंसर बनाना बहुत ही इजी बन जाता है। फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। मान लेते हैं ये एक पोल है यहां पे, जिसका शैडो है ये, मैं नेम लिख देता हूं ए बी सी, ठीक है। ये बी सी जो है ये शैडो है, दिस इज द शैडो पार्ट, और ये पोल है, ए बी पोल है, राइट। जो है अगर हाइट इसको ले रहा हूं तो शैडो हो जाएगा √3h, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। ये दिया हुआ शैडो। अब क्या रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। अब मैंने क्योंकि बताया हुआ है कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ बात को क्लियर करूंगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है ध्यान से देख लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है इस तरीके से, जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और जब ऊपर से नीचे की ओर आता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से बनता है, ऊपर लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, जिसे हम लोग ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू सेम इसी को मान लेते हैं, जो कि एक्चुअली में एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। सो ये हो गया आपके पास एलिवेशन, एलिवेशन, और ये हो गया आपके पास डिप्रेशन, ठीक है। बात एक ही होती है लेकिन शो कर दिया मैंने एलिवेशन एक्चुअली में क्या होता है और डिप्रेशन एक्चुअली में क्या होता है। ये ऑल्टरनेट एंगल बन के यहां पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो उस हिसाब से यही बनता है आपके पास थीटा, राइट। नाउ हियर इन दिस केस आपको दिया क्या है, एक तो हाइट दिया हुआ है और एक बेस दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ए बी, ए बी इज द परपेंडिकुलर लेंथ एंड बी सी इज द बेस, राइट। सो पी अपॉन में बी इज इक्वल्स टू होता हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। अब पी क्या हो गया, एच हो गया, बी क्या हो गया, √3h हो गया, इक्वल टू में टेन थीटा, एच से एच कैंसिल हो गया, सो इट कम्स 1/√3 इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। इसका मतलब हो गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये 1/√3 में √3 में कहा होता है, 10/30 में, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है। जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं चेक किया है या नहीं रिवाइज किया है वो डेफिनेटली कर ले, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सारी मैंने डिटेल में डाली हुई है, सीरियल ऑर्डर में सारी वीडियोस डाली हुई है, आप वहां से जाके सारी वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए और अपने आप को रेडी कर लीजिए एनटीपीसी आरआरबी के लिए। सो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सो थीटा कम्स 30 डिग्री। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री, सो दैट कम्स यू कैन से 30 एज इट्स आंसर। ओके, यू गॉट माय पॉइंट, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। सो इट्स वेरी सिंपल, बेसिक डायग्राम को आप बनाइए, जैसा कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। यहाँ पे हाइट को एच ले लिया, यानी पोल का जो हाइट है उसे एच ले लिया, और पोल का जो हमारे पास शेडो आ रहा है दैट कम्स √3 टाइम्स ऑफ हाइट, यानी कि √3h। बस यहाँ पे पी अपॉन बी लगा के टेन थीटा के फॉर्मूले से हमने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बता दिया, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास वो है 30 डिग्री, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मैन आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को बना लेंगे। मान लेते हैं ये टावर है, दिस इज द टावर, ठीक है। इसके अपोजिट साइड में दो लोग खड़े हैं, सपोज एक इधर खड़ा है और एक इधर खड़ा है। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे देखिए, दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी बताया था मैंने पीछे एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, यानी एक साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है और एक साइड से 45 डिग्री का बन रहा है। सो इस तरीके से हमने इसे ज्वाइन कर लिया, सो इट कम्स 30 डिग्री
एंड इट टेक्स 45 डिग्री। आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी को भी किधर रख सकते हैं, लेकिन अपोजिट में आएगा, कहने का मतलब है। ठीक है, अब हमें ये हमने नाम रख दिया पी क्यू और ये नाम रख दिया ए बी। हमें क्या निकालना है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, इट मीन्स दिस एच इज इक्वल्स टू 50 मीटर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, इसका मतलब ये एक मैन है और ये एक मैन है, ए और बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं अपने आप से। अब हमें कैसे करना है देखिए, सबसे पहले लिया हमने इंट एंगल पी ए क्यू, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, ऑब्वियस है ये इन ट्रायंगल पी ए क्यू। इस पे मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए क्यू, ठीक है, और दिया क्या है पी क्यू, इसका मतलब बेस मुझे निकालना है और परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है। तो दैट कम्स बी अपॉन पी इज इक्वल टू कॉट थीटा, यही बनेगा फॉर्मूला इसमें। ठीक है, तो आगे इसे लगाएंगे तो कैसे आएगा देखिए, यहां कर देता हूं, बी हो जाएगा हमारे पास एक्स और बी हो जाएगा एक्स और पी हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 30, राइट। अब इसे आगे कर देंगे हम यहां पे, सो एक्स अपॉन एच की वैल्यू है 50 इज इक्वल्स टू कॉट 30 होता है रूट 3, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 50 रूट 3, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, दैट कम्स 50 रूट 3, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 50 रूट 3, यानी कि ये वाला x जो है इट कम्स 50 रूट 3। अब इसी तरीके से y की भी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल PBQ, इसमें भी सेम इसी तरीके से हम करेंगे b अपॉन में p इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, सो b हो गया यहाँ पे y, p हो गया अगेन वही h इज इक्वल्स टू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। नाउ y अपॉन में h है 50 और cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो y की वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके 15 टू 1 बिकम्स 50, ये आ जाएगा 50, y की वैल्यू ये निकल गई है। तो x ये है और y ये है, इट मींस हमें क्या निकालना है, दोनों को मिला के डिस्टेंस कितना बनता है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमें फाइंड आउट करना है। मैं एक एक बारीकी से बता रहा हूँ चीज को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, आप अगर डायरेक्ट कर सकते तो कर लीजिए, वेरी गुड। ये आ गया 50 इंटू में रूट 3 प्लस 1, रूट 3 मैंने कॉमन आउट ले लिया इन दोनों में से, तो अंदर बच गया रूट 3 प्लस 1। नाउ रूट 3 की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, ये देखिए 1.73, इसको आप यहाँ पे पुट अप कर दे, सो दैट कम्स 1.73 प्लस 1, दैट गिव्स अस 50 इंटू 2.73, इट मीन्स ये आ जाएगा 5 3 15, 5 7 35 36, 5 2 10 और 3 13, 2 डिजिट के आगे डेसिमल आ गया, दैट कम्स 136.5 मीटर इज द आंसर। यानी कि ए बी यानी कि डिस्टेंस जो है हमारे पास वो आ रहा 136.5 मीटर आंसर। यू गॉट माय पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, दैट कम्स 136.5 मीटर। You got my point? चलिए move on to the next one. Now see, the next question is, a tree is broken by the wind if the top of the tree struck the ground at an angle of 30 degree at a distance of 30 meter from the ये foot होगा, root नहीं होगा ये. So find the height of the tree. Height of the tree कितना होगा? हमें ये बताना है. Height of the tree कितना होगा? So diagram को बना लेते हैं. Diagram कुछ इस तरीके का बनेगा. Like जैसे मान लीजिए एक ट्री है और ये मान लीजिए यहां से टूट गया हवा के झोंके से और ये इस तरीके से, ठीक है, और मान लीजिए यहां से ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और ये ब्रेक होके नीचे की ओर आ गया, इसका मतलब इस तरीके से आ गया लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी एंड डी इस तरीके से, सो ए सी विल बी इक्वल टू सी डी, ये जो ए सी होगा ये होगा सी डी के इक्वल, क्योंकि यही वाला पार्ट जो है, यही वाला पार्ट जो है टूट के नीचे गिरा है जमीन पे, ठीक है, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू सी डी।
जब AC इज इक्वल्स टू CD है, इसका बेसिक जो फंडा है, और हमें बोला है 30 मीटर दूर गिरा है फुट से, यानी ये 30 मीटर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये 30 मीटर होगा, राइट। ऑब्वियस है ये परपेंडिकुलर होगा, और कितने डिग्री पे गिरा है, 30 डिग्री पे, ये लिखा हुआ 30 डिग्री, यानी कि ये वाला हो जाएगा हमारे पास कितना डिग्री, दैट कम्स 30 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। सो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, यहां पे हाइट ऑफ द ट्री होगा हमारे पास ए से बी तक, ठीक है ना। अब इसे निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए, इन ट्रायंगल CDB, अब आप देख सकते हैं एंगल ट्रायंगल CDB, ये हो गया ट्रायंगल CDB, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, BC हमें निकालना है, और हमें पता क्या है, BD पता है, यानी बेस हमें पता है, उसे नीचे लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया P, दिस इज P परपेंडिकुलर, दिस इज B बेस, दिस इज बेस, तो P अपॉन B होता है टेन थीटा, और यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे थीटा है 30 डिग्री, तो हमने थीटा की जगह 30 लिख लिया। नाउ P हमारे पास निकालना है, दैट इज H मान लेते हैं इसको, सो दिस कम्स H अपॉन में, हमने P को क्या मान लिया, H मान लिया, तो हमने यहाँ पे H लगा लिया, ठीक है, अपॉन में बेस हो गया 30 इज इक्वल्स टू टेन, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, दैट कम्स 1/√3, ये हो जाएगा H इज इक्वल्स टू 30/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, और फिर रैशनलाइज कर दिया √3 और √3 से, ठीक है। सो दैट कम्स 30√3 बाय √3, और √3 कितना बन जाता है, 3 बन जाता है, तो ये कैंसिल होके आ गया 10, यानी कि फाइनली H हमारे पास कितना आ रहा है, H इज इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक है। 10 की H की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 आ गया, ठीक है। अब हमें CD भी निकालना है, क्योंकि CD इज इक्वल टू AC है, ठीक है। नाउ मैं इसे बाकी का पार्ट इधर कर देता हूं। नाउ CD हमें आपकी बार निकालना है, और BD हमें पता है, इसका मतलब H हो गया CD हाइपोटेन्यूस, और B हमें पता है, सो H अपॉन B हो जाता है सेक, और थीटा 30 है, 30 डिग्री, ठीक है। तो H हमें फाइंड आउट करना है, यानी हाइपोटेन्यूस, यानी कि हमें CD फाइंड आउट करना है, और बेस हमें पता है 30, और sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसकी वैल्यू होती है 2/√3, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। सही से सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट कम्स CD इक्वल टू 60/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, तो दैट कम्स रैशनलाइज करने पर, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 3, क्योंकि √3 और √3 3 बन जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 60√3, तो कैंसिल कर लिया, ये आ जाएगा 20, यानी कि CD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 20√3, ठीक है। देयरफोर हम कह सकते हैं टोटल हाइट जो है दैट विल बी इक्वल टू इधर 10√3, इधर ये 10√3 प्लस 20√3, दैट गिव्स अस 30√3, यानी 30√3, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, राइट। समझ गया बात को, इतना मीटर, सो हाइट कितना आ गया हमारे पास, 30√3। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 90 मीटर हाई, ठीक है, ये हमने मान लिया क्लिफ है जो कि 90 मीटर हाई है, इट इज 90 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, क्लिफ के टॉप से देखा जा रहा है, यहां से देखा जा रहा है, ठीक है, एक किसके
एक टावर के, तो मान लेते हैं ये टावर हो गया, सपोज दिस इज अ टावर। अब इसके टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है इसके टॉप से, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, कहने का मतलब। और इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं अपने आप से परपेंडिकुलर के रूप में, ठीक है। और एक इसी के टॉप से, क्लिफ के टॉप से इसके बॉटम में, यानी टावर के बॉटम में भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर लूं इस तरीके से, तो यहां पे एक एंगल बनेगा और यहां पे एक एंगल बनेगा। हालांकि डिप्रेशन ऊपर बनता है, यहां पे बन रहा है ये एंगल, ठीक है ना, यहां पे बन रहा है और यहां पे बन रहा है। इसी को मैं ऑल्टरनेट वे में लेकर यहां और यहां बता दे रहा हूं, ठीक है, करने में इजी हो जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे स्टार्टिंग में समझाया था। सो ये बन गया आपके पास 30 डिग्री का और ये बन गया आपके पास 60 डिग्री का, ठीक है। टॉप पे और बॉटम पे बोला था टावर के, तो टावर के टॉप पे बन रहा है 30 का और टावर के बॉटम पे बन रहा है 60 का, यहाँ पे 30 और 60 रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। द हाइट ऑफ द टावर इज, यानी कि टावर की जो हमें हाइट निकालनी है ना वो बताना है, ठीक है ना। तो h इक्वल टू कितना होगा, अच्छा इसे मैं x मान लेता हूं, तो ये भी x ही होगा। नाम आप अपने आप से कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी ई, राइट, ये भी परपेंडिकुलर होगा। बस आपने क्या निकालना है, हाइट को निकालना है। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए, ये आपको टोटल दिया हुआ 90 मीटर। अगर ये पूरा 90 मीटर है, डायग्राम में ही बात को क्लियर कर लीजिए, अगर ये पूरा 90 मीटर है और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो कि हाइट ऑफ टावर है, इसे मैं एच मान रहा हूं, तो ऑब्वियस है यहां से यहां तक की हाइट कितनी बनेगी, ये बनेगी 90 माइनस एच। बस ये बात आपने क्लियर करनी है, ये बनेगी 90 माइनस एच, क्योंकि ये पूरा तो 90 का है, जिसमें से बी से लेकर ई तक जो है वो एच है, तो ए से लेकर बी तक क्या निकलेगा, इस पूरे में से इस बी को माइनस कर देंगे, यानी इस 90 में से एच को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए बी, यानी कि 90 माइनस एच। बट माई पॉइंट, बस ये बन गया आपके पास फिगर। एंगल ए बी सी आपको दिख रहा है, ए बी सी एक राइट एंगल है। इसमें क्या करेंगे, देखिए ना तो हमें परपेंडिकुलर पूरी तरीके से पता है, ना तो हमें बेस पूरी तरीके से पता है, तो आप किसी को भी ऊपर और किसी को भी नीचे रख सकते हैं। तो मैं पी अपॉन बी ले लेता हूँ, पी अपॉन बी इज इक्वल्स टू टेन, और यहाँ पे थीटा है 30, ठीक है, टेन 30। अच्छा पी हो गया आपके पास 90 माइनस एच और बी हो गया आपके पास एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दिया, इजिकल्स टू टेन 30 की वैल्यू 1/√3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे मैंने, आ जाएगा मेरे पास 90√3 − √3h इज इक्वल्स टू एक्स, ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें लेना है बड़ा वाला ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए ई डी, क्या लेंगे ए ई डी, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, ये देखिए ए ई डी राइट ट्रायंगल है बड़ा वाला, पहले ये छोटा वाला लिया है, उसके बाद ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे ये ए ई है, ठीक है। ए ई डी में भी ठीक इसी तरीके से करेंगे हम लोग, पी अपॉन में बी इजिकल्स टू टेन, और यहाँ पे थीटा क्या है 60 है, दैट कम 60, तो पी हो गया आपके पास 90, क्योंकि ए से लेकर ई तक पूरा जो है 90 दिया हुआ था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 90। बी हो जाएगा आपके पास एक्स, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो दैट गिव्स अस √3। बाकी का पार्ट इधर कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 90/√3, ठीक है। अब इसे रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 √3 से रैशनलाइज कर लिया, दैट कम्स, ये हो जाएगा आपके पास √3 और √3 3, और ऊपर आ जाएगा 90√3, तो 3 से कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 30, यानी कि x की वैल्यू हो गई 30√3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 30√3। और ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आया हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों को कंपेयर करूं, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं, तो मेरे पास क्या आता है, देखिए x इक्वल टू x है, तो ऑब्वियसली आर एच एस भी इक्वल हो जाएंगे, यानी दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट, सो दैट मीन्स 90√3 − √3h इज इक्वल टू 30√3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
रूट को रूट वाले के पास ले जाएंगे, रूट को रूट वाले के पास ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस रूट थ्री एच इज इक्वल्स टू 30√3। रूट थ्री वाले को रूट थ्री वाले के पास ले आएंगे तो इधर आके ये माइनस का रूट थ्री हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का रूट थ्री हो जाएगा। कम्स माइनस रूट थ्री एच इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस का 60√3। माइनस से माइनस कैंसिल, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, सो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, एच इज इक्वल्स टू हमारे पास फाइनली कितना बच रहा है 60, यानी कि 60 मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर निकालना था। सो हाइट ऑफ टावर क्या है, एच है, तो देयर फोर हाइट कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर हमारे पास हो गया 60 मीटर। यू गॉट माय पॉइंट, यानी ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो सीधा क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, आप सिंपली इसे डायग्राम को पहले बना लें इस तरीके से। मान लेते हैं ये टावर है हमारे पास, ठीक है, और दो पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अच्छा, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका इस तरीके से, ठीक है, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज आपका बोला है, देखिए बेस से बोला है, यानी कि पहले वाले पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो है आपके पास एक्स, ठीक, और दूसरे वाले का है पूरा यहां से यहां तक वाई, ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ये लिखा हुआ ना, टू पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो फुट ऑफ द टावर तो ये हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास फुट ऑफ द टावर है। यहां से पहला पॉइंट जो है वो एक्स का है, यानी एक्स मीटर मान ले या कुछ भी यूनिट ले ले, और दूसरा वाला पॉइंट जो है ये है, तो ये यहां से यहां तक जो है ये वाई का होगा, ठीक है, डिस्टेंस। और कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो ऑब्वियस है, अभी कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको थीटा लेते हैं तो इट कम्स 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को मिला के बनता है कितना, 90 बनता है दोनों को मिला के, तो एक की वैल्यू अगर थीटा है तो दूसरे की 90 माइनस थीटा होगी, राइट। ये बन गया आपके पास डायग्राम। अब इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत इजीली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है, इसके बेस पे कई बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पे न्यूमेरिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू दे दी जाए या किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, और हाइट आपको निकालने को बोली जाए, तो इसका आंसर जो होता है ऑलवेज h इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है, यानी ये जो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ही होता है। इसका मतलब ये x और y का रूट इसका आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन इसे अगर सॉल्व करना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, तो फिर ये सॉल्व करके भी बता देते हैं ये आएगा कैसे। एक बार ये जल्दी से देख लेते हैं, हम ले लेते हैं पहले ट्राइंगल ए बी सी, हमने ये ट्राइंगल ले लिया। अब इस पे क्या लगाना है, हमने पी अपॉन में बी इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये थीटा में दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास पी, हो जाएगा आपके पास, इसे आप एच मान ले, दैट कम्स एच अपॉन बी इज एक्स एक्स एंड टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करना है, हमने यहां से एच की वैल्यू को निकाल लेना, दैट इज एक्स कॉट थीटा। सो ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आप ट्रायंगल ले लेंगे आप पूरा ए बी डी, ये पूरा ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी, ठीक है, इस पे थीटा है यहां पे, तो ये बन जाएगा आपके पास P अपॉन में B इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और P इसके लिए भी H ही है तो यहाँ पे H लगा देंगे, ये हो जाएगा H अपॉन में B कितना है, B कितना है, ये पूरा है यानी कि Y डिस्टेंस है, सो इट कम्स B Y हो जाएगा, ये आपके पास Y हो जाएगा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, सो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Y टेन थीटा,
ये हो जाएगा आपके पास नंबर टू। बस आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इक्वेट करने में हमारे पास क्या आता है, देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे एलएचएस में एच है, यहाँ पे भी एच है, तो एच इंटू एच हो जाएगा यहाँ पे, एच इंटू एच इज इक्वल्स टू एक्स कॉट थीटा इंटू वाई टेन थीटा, ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एच स्क्वायर, और एक्स इंटू में इस कॉट को लिख लिया मैंने वन अपॉन टेन थीटा इंटू वाई टेन थीटा, ठीक है, टेन से टेन कैंसिल, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में वाई, ये एक्स इंटू में वाई बिकम्स एक्स वाई, सो एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स वाई, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था पीछे स्टार्टिंग में, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट एक्स वाई, सो ऑप्शन थ्री हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। तो ध्यान रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री के इस क्वेश्चन में, ये एक यूनिक क्वेश्चन है, इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलवेज हाइट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि उनका रूट, यानी प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस का रूट जो होगा वही आपके पास आंसर होगा, ठीक है, यानी अंडर रूट एक्स वाई आपके पास आंसर होगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज अ मैन सिक्स फीट टॉल कास्ट ए शैडो फोर फीट लॉन्ग, ठीक है, एट द सेम टाइम, ये शब्द याद रखिए, एट द सेम टाइम व्हेन अ फ्लैग पोल कास्ट शैडो 50 फीट लॉन्ग द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप हमें बताना है। तो दो बातें यहां पे दी हुई है, एक तो मैन ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, डायग्राम को बना लेते हैं, इसमें मैन ले लेते हैं इसको, और इस पे क्या बोला है, इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें बोला है हाइट जो है वो है आपकी 6 फीट, तो ये 6 फीट हो गया, ठीक है, और इसकी शेडो है 4 फीट, ये हो गया 4 फीट, और इसी दौरान इसी टाइम पे कह रहा है कि एक फ्लैग पोल है इस तरीके से, और ये जो है 50 फीट शैडो है इसकी, और इसकी हाइट हमें बतानी है, इसकी हाइट को हमें बताना है, ठीक है, इसका नाम पी के ओ आर दे देते हैं, ठीक है। देखिए जब एट द सेम टाइम लिखा हो, ये जो शब्द लिखा हुआ आपके पास एट द सेम टाइम, ये जो आपके पास लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, इसका मतलब ये हो गया कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इस वाले ट्रायंगल से जो रेशियोज होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रेशियोज इक्वल होंगे, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो हाइट है और इसकी जो हाइट है ये दोनों रेशियो में आएगा, यानी 6/h, और इसका जो शेडो है और इसकी जो शेडो है ये दोनों भी रेशियो में आ जाएगा, ठीक है, यानी 4/50, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियोज जो है वो इक्वल बन जाते हैं, राइट, बस इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हो जाता है 2 2 2 25, और इसे और कैंसिल कर लेंगे 2 3 6, तो इसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एच कितना आ रहा है 75 फीट, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 75 फीट, यानी ऑप्शन टू, गॉट माय पॉइंट, इसको अच्छे से देखिए मैंने क्या किया, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के रेशियोज को इक्वल कर दिया है क्योंकि एट द सेम टाइम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज एक्स मीटर, ठीक है, इसका मतलब दो पिलर्स है, मान लेते हैं ये हो गया आपके पास 16 मीटर का पिलर, राइट, और एक हो गया मान लेते हैं 9 मीटर का पिलर, ऑब्वियस इनका बेस तो सेम ही होगा, ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज एक्स मीटर, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, एक्स मीटर का है, ये लिखा हुआ है, इट मींस ये हो गया आपके पास एक्स मीटर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया एक्स मीटर का, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस हमारे पास एक्स मीटर का, दिस इज एक्स मीटर। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इफ टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री, अभी भी हमने पीछे बताया था कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगलों का सम 90 जिसका होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है
इट मीन्स इसके बॉटम से इसके टॉप पे और इसके बॉटम से इसके टॉप पे टच कर रहा है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री बोला है। तो अगर मैं इसको थीटा एंगल ले लेता हूं तो ये ऑब्वियस है कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, इट कम्स ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास 90 माइनस थीटा, ओके। और इनका बीच में डिफरेंस जो है वो है एक्स मीटर का। अगर हम इसका कुछ नाम रख देते हैं तो ए बी सी एंड डी, ये हो गया। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी को ले लेते हैं। आप किधर से भी ले सकते हैं, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए, बात एक ही है। इन ट्रायंगल एबीसी पहले हमने ले लिया, तो दैट इज पी अपॉन में बी इज इक्वल्स टू टेन थीटा, राइट। सो पी हो गया आपके पास 16 और बी हो गया एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, राइट। तो आपके पास आ जाएगा एक्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू 16, यानी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया इक्वल टू 16, राइट, हो गया फर्स्ट। सेम इसी तरीके से इन ट्रायंगल डी बी सी अगर हम लेते हैं तो इस पे भी पी अपॉन में बी इज इक्वल्स टू 10 और इस पे थीटा कितना है, इस पे है 90 माइनस थीटा, दैट कम्स 90 माइनस थीटा। सो पी हो गया इसमें 9, ये परपेंडिकुलर है, यहां पे हमने लिख दिया, और बेस एक्स है इसका भी, और टेन 90 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, That comes cot theta. So 9 is equals to x cot theta, हमारे पास दूसरा वाला आ गया, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इसे फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड करना है हमें, तो हमें क्या मिलता है देखिए, x tan theta into में x cot theta is equals to 16 into में 9, ठीक है, यानी कि इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और tan cot को एक तरफ यानी x वाले वेरिएबल जिधर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट कम्स x into x is x square into tan theta into इस cot को हमने लिख लिया 1 upon 10, cot को लिख लिया 1 upon 10 theta is equals to 16 9 144 होता है, दैट कम्स 144, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाता है, ये स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाता है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 12 मीटर, ठीक है, x इक्वल टू 12 मीटर, यानी आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 12 मीटर, यानी कि हमें यही निकालना था, सो दैट कम्स 12 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट आंसर है। यू गॉट माय पॉइंट। सो देखिए, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, अगर मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूं, तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो डिस्टेंस होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, तो अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालना है तो अभी मैंने पीछे बताया था आपको अंडर रूट एक्स वाई, ये हमारे पास आया था एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई, इसका मतलब क्या हो जाता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में निकाला हुआ था, आप चेक कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइट का स्क्वायर, यानी कि हाइट यहाँ पे कितना है, 16 और 9 है, इसका मतलब आप कह सकते हैं इसे एच इंटू एच इज इक्वल टू एक्स इंटू में वाई। अब यहाँ पे 16 इंटू में 9 आप कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये 16 है हाइट और ये 9 है हाइट, तो यहाँ पे एक हाइट 16 हो गया, एक हाइट 9 हो गया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और साथ ही में डिस्टेंस होता है, ये जो होता है हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे देखिए दोनों ही केस में x और x है, तो इसीलिए अगर हम इसको दोनों को ये x into x ले ले, so that comes 144 is equal to x square, so x is equal to 144 रूट में, क्योंकि स्क्वायर इधर आके रूट में बन जाता है, सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 12 मीटर आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी पीछे मैंने ये फॉर्मेट आपको बताया था, यही बात आपको बताई गई थी, राइट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी हियर इज द क्वेश्चन, क्या बोला, यहाँ पे भी टू पोल्स के बारे में बात हो रही है, जो कि ये एक है 24 मीटर हाइट है और अनदर वन इज 36 मीटर हाइट,
तो मान लेते हैं कि ये 24 मीटर हाइट का एक पोल है और ये मान लेते हैं कि एक जो है 36 मीटर हाइट का एक पोल है, राइट। बेस इनका ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, बेस ऑलवेज सेम होता है, एक ही बेस पे बना हुआ होता है। नाउ कनेक्टेड बाय वायर, इनका जो टॉप है ये देखिए टॉप बोला है ना, इसे वायर से जोड़ा गया है, तो एक वायर को इस तरीके से शो कर देते हम लोग, दिस इज वायर, राइट। नाउ आप क्या कह रहा है, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये 60 डिग्री का बना रहा है एंगल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, देन द लेंथ ऑफ द वायर इज, तो वायर की लेंथ क्या होगी, ठीक है, वायर की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन आप समझ ही गए हैं, क्वेश्चन अब बहुत इजी हो गया, एक बार ये डायग्राम अगर आप ठीक से बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। अब बात को समझिए, यहां से यहां तक ये जो है दैट इज 24 मीटर, ठीक है, और यहां से यहां तक जो है दैट इज 36 मीटर, जो कि मैंने ऑलरेडी शो कर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ए से बी तक की लेंथ निकालना चाहूं, मतलब इस हाइट की लेंथ निकालना चाहूं, सो दैट कम्स 36 माइनस 24 दैट विल बी इक्वल टू 12 मीटर, यानी ये कितना आ रहा है, दैट कम्स 12 मीटर, ओके। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर हमें निकालना है, हमें ये निकालना है, तो बस अब सिंपल है बिल्कुल, इन ट्रायंगल डायग्राम में बात सारी समझा दी गई है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमें क्या लेना है, हमें निकालना है ये वाला पार्ट निकालना है, हमें निकालना है ए सी निकालना है, ठीक है, ए सी ए सी, और गिवन क्या है हमारे पास, ए बी 12, सो ये है ए बी, सो दैट कम्स हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट, दैट कम्स हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड थीटा कितना है हमारे पास, यहाँ पे थीटा हमारे पास 60 डिग्री, सो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे इसे, ठीक है। और याद रखिएगा जो कॉसेक से हो सकता है वो साइन से भी हो सकता है, मतलब उसके इनवर्स से भी हो सकता है, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे साइन का भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा एच का मतलब हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, जो कि हमें निकालना है, आप यहाँ पे इसे एच ही रहने दे, ठीक है, जो कि आपके पास है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया इसको, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, और ये परपेंडिकुलर हो गया 12 इज इक्वल्स टू कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, बस यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट मैं इधर कर देता हूँ, दैट कम्स एच इज इक्वल्स टू 12 × 24/√3, यानी कि हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसे रैशनलाइज कर देंगे, ये आ जाएगा 24 अपॉन में √3 इंटू √3 और इंटू √3 से रैशनलाइज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास √3 √3 बिकम्स 3 और ये बन जाएगा 24 √3, तो कैंसिल होके आ गया 8 √3, यानी कि हाइपोटिनियस जो है आपके पास आ रहा है 8 √3 मीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था, यानी कि यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर, यानी कि यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर आप देख सकते हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, दैट इज हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल, दैट इज हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल, जो कि लेंथ ऑफ वायर है, जो कि आ रहा है 8√3, इसका मतलब आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन 2, बात को समझ गए। तो इसी के साथ इस सीरीज के ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, और मैंने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हैं ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, खास करके आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आप रेडी हो जाइए इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके, कोई भी डाउट अगर आपके मन में आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा, मैं आपकी डाउट डेफिनेटली दूर करवाऊंगा। जब तक जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लेके फिर हाजिर हो सकूं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का तब तक इंतजार कीजिए और इन्हीं क्वेश्चंस को तब तक रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।